कलाकंद एक ऐसा मिठाई है जो हर किसी को पसंद आता है। आप इसका टेक्सचर देखिए, कितना दानेदार और कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला मिठाई है। तो इसे मैंने 200 ग्राम पनीर से बनाया है और ये पूरे 600 ग्राम मिठाई बनके तैयार हुआ है। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। बाज़ार में आपको पता है कि मिलावट कितनी आ रही है, आप इसे घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया है मैंने। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। स्वागत है आपका संध्या जी के किचन में। गैस पर पैन रख दिया है मैंने, इसमें डालेंगे हम 500 ग्राम दूध, ये उबला हुआ दूध है। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम गाढ़ा करेंगे। ये देखिए उबल रहा है, गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो करती हूँ और पनीर का कद्दूकस कर देती हूँ। पनीर का कद्दूकस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कलाकंद में टेक्सचर आता है दाने दाने का, वो इसी से आता है। अगर हाथों से मसल के डालेंगे तो वो टेक्सचर नहीं आ पाएगा, तो इसको कद्दूकस करके ही डालें। ये देखिए दूध भी हमारा उबल रहा है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा मीठे के लिए करीब 4 चम्मच चीनी। आप मीठा थोड़ा ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन कलाकंद थोड़ा कम ही मीठा अच्छा लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मीठा खाना तो बहुत पसंद होता है लेकिन वो शुगर की वजह से खा नहीं सकते, तो आप चीनी की जगह पे शुगर फ्री का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दूध कितना गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल तीसरा हिस्सा बच गया है। अब इसमें डालेंगे हम फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, अगर साबुत है तो आप उसे तोड़ के डाल सकते हैं। गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और पनीर को डालते हैं और इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हैं हमें तब तक इसको भुनना है जब तक ये बैटर सारा इकट्ठा ना होने लगे। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी। 1 चम्मच घी डालना बहुत ज़रूरी है, ये कलाकंद को सॉफ्ट भी बनाता है और इसको जमने में भी थोड़ा मदद करता है। आपके पास जो भी बर्तन है उसमें आप इसको सेट कर सकते हैं। मैंने केक टिन का यूज़ किया है। इसमें लगाएंगे हम नीचे बटर पेपर ताकि इजीली निकल जाए। अगर बटर पेपर आपके पास नहीं है तो थोड़ा घी लगा सकते हैं आप। सारा बैटर इकट्ठा हो जाए और पैन छोड़ने लगे तो समझिए कि अब मिल्के जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इस बर्तन में हम इसे डाल लेते हैं और किसी चम्मच या स्पैचुला की सहायता से हम इसे दबाकर सेट कर देंगे ताकि ये चारों कोनों से सेट हो जाए अच्छे से। ये देखिए सेट कर दिया है मैंने। अब मैंने थोड़ा सा कटे हुए पिस्ते का इस्तेमाल किया है इसको सजाने के लिए। आप चाहे तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है उसे डाल सकते हैं और फिर से मैं स्पेचुला से इसको दबा दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 6 से 8 घंटे के लिए इसे हम फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा भी हो जाए और सेट भी हो जाए। देखिए कितना बढ़िया सेट हो गया है और बटर पेपर लगाने से निकालने में बहुत आसानी होती है। तो चलिए कट करके देखते हैं। काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है मिल्केक। आप भी इस तरह अपने घर पर कलाकंद बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो आप एक बार ज़रूर बना के इस त्यौहार पर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपका कलाकंद कैसा बना है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।